नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कागज में या दो शब्द लिखकर जमीन में इस जगह गाड़ दें, दोस्तों इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह क्रिया आपको आने वाले 7 दिनों के अंदर ही करना है, तभी दोस्तों ये काम आएंगे। कि दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले 7 दिनों का समय ग्रहों की बहुत ही शुभ स्थिति बनने वाली है। माँ लक्ष्मी का बहुत ही परम योग यश में बन रहे हैं, जो कि दोस्तों धन से संबंधित है। आपके जीवनकाल में धन से संबंधित समस्याओं को ये दूर कर सकती है। तो दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिनों के अंदर आप यह उपाय को ज़रूर करें कि दोस्तों, एक कागज़ का आपको टुकड़ा लेना है और ज़मीन के अंदर इस जगह बस आपको गाड़ देना है, जिससे दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में धन से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म होंगी। माँ लक्ष्मी का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जीवनकाल से दुश्मनों का भी विनाश होगा और आपके जीवनकाल में बहुत ही अच्छा परिवर्तन आ जाएगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप धन से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तभी जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अक्सर व्यक्ति अपने जीवनकाल में धन कमाने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं ताकि उनके जीवनकाल में धन आ जाए। लेकिन दोस्तों, हर प्रकार के कार्यों को करने के बावजूद भी इंसान हमेशा विफल ही हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें सही समय पता नहीं होता कि कौन से समय पर कौन से उपाय को करना चाहिए। जय दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाली 7 दिनों के अंदर माँ लक्ष्मी का अमृत बेला का समय चल रहा है। यश में बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जाएं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप सभी के कुंडली पर होने वाली है, जिनसे दोस्तों आप सभी का भाग्य भी चमक जाएगा। जय दोस्तों, हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आने वाले 7 दिनों के अंदर आपको कौन से जगहों में या एक चीज़ को कागज़ में लिख कर दबा देना है, गाड़ देना है, ताकि दोस्तों आपके जीवनकाल में धन से जुड़ी समस्याएँ खत्म हो। शायद दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले 7 दिनों के अंदर आपको कौन सी महत्वपूर्ण सावधानियां भी रखनी होंगी, ताकि दोस्तों आप कोई गलती ना करें और ये मौके से आप चूक ना जाएं। जो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह गोचर पर निर्मित है। अगर आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए, आपके जीवनकाल से पेशों को लेकर किल्लत तो खत्म होगी, साथ ही साथ आपके जीवनकाल में खुशियों भरा माहौल भी आ जाएगा। जो दोस्तों, इतना पेशा आएगा, इतनी वृद्धि आएंगी कि आपने कभी सपने में भी सोचे नहीं होंगे। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों, माँ लक्ष्मी के जो भी सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माँ लक्ष्मी का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। यह ज्ञान को भी आप अवश्य सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों इनसे आपके जीवनकाल में, आपके मन मस्त में बहुत ही अच्छे ऊर्जा का संचार होगा, जिनसे दोस्तों आपके बहुत ही सोचने की क्षमता बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, इन्हें भी या ज्ञान को भी आप बहुत ही ज़्यादा गौर से सुने। कि दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण भोजन के लिए बैठे थे, एक दो कौर मुंह में लेते ही अचानक उठकर खड़े हो गए, बड़ी व्यग्रता से द्वार की तरफ भागे, फिर लौट आए उदास और भोजन करने लगे। रुक्मणी ने पूछा, प्रभु थाली छोड़कर इतनी तेजी से क्यों गए और इतनी उदासी लेकर क्यों लौट आए? कृष्ण ने कहा, मेरा एक प्यारा राजधानी से गुजर रहा है, नंगा फकीर है, एक तारे पर मेरे नाम की धुन बजाते हुए मस्ती में झूमते चला जा रहा है। लोग उसे पागल समझकर उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उस पर पत्थर फेंक रहे हैं और वो है कि मेरा ही गुणगान किया जा रहा है, उसके माथे से खून टपक रहा है, वह असहाय है, इसलिए दौड़ना पड़ा, तो फिर आप लौट क्यों आए? तो कृष्ण बोले, मैं द्वार तक पहुंचा ही था कि उसने एक तारा नीचे फेंक दिया और पत्थर हाथ में उठा लिया। अब वह खुद ही उत्तर देने में तत्पर हो गया है, उसे अब मेरी जरूरत ही ना रही। जरा रुक जाता, मेरे उत्तर पूर्ण विश्वास रखता तो मैं पहुंच गया होता। जी दोस्तों, इसी प्रकार यहीं पर आकर हम अपने भगवान पर विश्वास खो देते हैं, भगवान जरा सी परीक्षा लेते हैं और हम धैर्य नहीं रख पाते। इसलिए दोस्तों, अपनी भक्ति को दृढ़ बनाना चाहिए,
जब तक ईश्वर हमें हमारे कर्मों का फल नहीं देते तब तक हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। जी दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आई हो, तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो आए दोस्तों से केश रात बात करते हैं, आने वाले 7 दिनों के अंदर आपको अपने जीवन काल में कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है, आपके घर के माहौल में, परिजन में, प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, साथ ही कौन से दिन आपको कागज में यह 2 शब्द लिखकर किस जगह गाड़ना है, इस बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। सबसे पहले दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 7 दिनों के अंदर आपको अपने मन और मस्तिष्क को बहुत ही पॉजिटिव रखना होगा। जी दोस्तों, क्योंकि भगवान जब भी किसी को कोई चीज देते हैं, किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, तब उनके मन बिल्कुल ही साफ रहना चाहिए, हृदय बिल्कुल ही साफ रहना चाहिए। आने वाले 7 दिनों के अंदर आप अपने जीवन काल में कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि दोस्तों अपने से उच्च वर्ग व्यक्ति का सम्मान करें, अपने से नीच वर्ग व्यक्ति का आप यश में जरूर ही योगदान दें। जय दोस्तों, आप शुभ बता दें अपने से बड़ों का अगर आप आने वाले 7 दिनों के अंदर आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, तो दोस्तों माँ लक्ष्मी का वास आपके घर पर होने वाली है। जी दोस्तों, कुछ बातों का ध्यान और भी आपको जीवन काल में रखना है, जैसे कि दोस्तों सुबह शाम आपको माँ लक्ष्मी के मंत्र गायत्री मंत्र का जाप करना है। जी दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें। शादी के साथ दोस्तों आने वाले 7 दिनों के अंदर आपको अपने जीवन काल में किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखना है, किसी के ऊपर संदेह नहीं करना है, किसी के ऊपर भी आपको कोई ऐसे क्रियाकलाप नहीं करना है ताकि उनके मन मस्तिष्क को ठेस पहुंचे। तो दोस्तों 7 दिनों के अंदर आप इन सभी बातों का ध्यान रखें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं आपके राशि से। दोस्तों यश में घर में किसी नजदीकी रिश्तेदार के आगमन से खुशी का माहौल रहेगा तथा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सलाह मशवरा होने से कोई समाधान भी यश में मिलेगा। दोस्तों कोर्ट कचहरी संबंधी जो भी मामले पिछले काफी समय से लंबित चल रहे थे उन पर यश में काम करने का उचित समय होगा। शादी दोस्तों यश में घर के किसी सदस्य के वैवाहिक संबंधों में किसी प्रकार की दिक्कत उत्पन्न हो सकती है, परंतु दोस्तों यश में शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान निकालने की आप कोशिश करें। किसी पर भी यश में आप अधिक भरोसा ना करें, अधिक विश्वास ना करें, यह आपके लिए नुकसानदायक यश में हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो दिन होंगे, जो समय होंगे, जिन बातों में आप अभी तक संयम बनाए रखे थे, दोस्तों उन बातों में यश में अचानक सकारात्मक बदलाव दिखेगा जो आपको अपेक्षा से अधिक फल प्रदान कर सकता है। दोस्तों यदि आप सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं, दोस्तों यश में आपको मेहनत और इंतजार दोनों ही करना होगा, लेकिन दोस्तों सफलता आपको यश में जरूर मिलेगी। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह सप्ताह के 7 दिनों में से आप किसी भी दिन आपको एक लाल कागज का टुकड़ा लेना है। जो दोस्तों मैं आप सभी को बता दें कि यह बहुत ही अच्छा उपाय है, इन्हें आप लाल रंग के कागज के टुकड़े में ही उपयोग करें। जो दोस्तों मैं आप सभी को बता दें कि लाल रंग का जो रंग है वह माँ लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और माँ लक्ष्मी इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। तो दोस्तों ये उपाय आप लाल रंग के कागज में ही करें। लाल रंग के कागज में आप अपने जीवन की समस्याओं को लिख दें, जो भी आपने मेहनत किए हैं, जो भी आपने कार्य किए हैं, माँ लक्ष्मी को आप यह पत्र लिख दें और दोस्तों उस कागज़ को आप लपेट कर सातों में से किसी भी दिन आप यह क्रिया कर सकते हैं कि दोस्तों श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ है। तो दोस्तों सातों में से किसी भी दिन आप लाल रंग के कागज़ के टुकड़े में अपनी समस्याओं को लिख कर अपने धन के स्थान पर जहाँ भी आप अगर पेशे हैं, तिजोरी हैं, दोस्तों उनके नीचे आपको छोटा सा एक गड्ढा करना है जो दोस्तों, और ज़मीन के अंदर उस कागज़ के टुकड़े को भर कर दोस्तों उसके ऊपर मिट्टी लगाकर, उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर देकर, माँ लक्ष्मी का नाम लेकर माथा नीचे रख कर प्रणाम कर लें और दोस्तों वहाँ से आप चले जाएं। दोस्तों आने वाले 7 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में वह बदलाव होंगे कि आप अपने आँखों पर यकीन नहीं करेंगे, परंतु दोस्तों ध्यान रहे कि लाल रंग का ही कागज़ होना चाहिए। जी दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी लिख दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।